उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक ऐसी वारदात पेश आई है जिससे देख इंसानियत कांप जाए। एक 3 साल बच्ची का सिर्फ 5,000 रुपयों के लिए बेरहमी से कत्ल किया गया है। इस मामले में जाहिद और उसके दोस्त असलम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ NSA के तहत मामला चलाने की तैयारी चल रही है। बच्ची यहाँ से खेलने के लिए निकली थी और भाले गिर से गायब हो गई थी। बच्चे सास का जो घर है उसी गिर से घर गायब हो गई। हम पूरी छानबीन की थी हमने, टप्पल में सारी जगह पर हमने घूमा था। उसे देखी हुई घर भी पूछा भी था। मुसलमान के हर घर में गई थी पर उन्होंने नहीं कही, नहीं है यहाँ पर, नहीं आई है। और मास्क भी लगवाई थी, मतलब आवाज़ भी लगवाई थी मस्जिद में और वैसे भी गली गली में और पास के जितने भी गांव में सारे में आवाज़ लगवाई थी। बच्ची का शव आवारा कुत्ते खींच कर ले जा रहे थे, ये देख एक महिला ने शोर मचाया। मैंने हेल कचरे की रखी है ऊपर और कुत्ता बाहर कुला रहे दुकान में से, ये देखा मैं। वाते बाद में मैंने शोर मचा दिया, बस बाकी मैंने कुछ नहीं दिया। कुछ लोग ऐसे भी हैं इस पूरे मामले को धर्म के नजरिए से देखते हैं। आपको ये जानना होगा ऐसे लोगों का कोई धर्म नहीं होता, ऐसे लोग इंसानियत के दुश्मन होते हैं। हमें इंसाफ चाहिए, चाहे वो आसिफा हो या ट्विंकल, ये सभी देश की बेटियां हैं। अलीगढ़ पुलिस सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों से बचने की सलाह दे रही है। अभी तक की जो प्रिलिमिनरी जो PM जो डॉक्टर्स टीम पैनल के डॉक्टर्स ने मिलकर किया है, इन दैट देयर इज नो मेंशन ऑफ रेप और नो मेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस, नो मेंशन ऑफ एसिड और एनी केमिकल व्हिच हैज बीन यूज्ड ऑन द। जब तक ऐसे मामले सुर्खियों में रहते हैं, सोशल मीडिया सामाजिक संगठन आवाज उठाते हैं, इंसाफ के लिए मार्च किए जाते हैं, मोमबत्तियां जलाई जाती हैं, लेकिन ऐसे दरिंदों को आज तक फांसी की सजा नहीं मिल सकी।